देखिए दोस्तों, ये एस्को का एलबेंड मिक्सचर हम लगा रहे हैं। पहले हमने इसकी पूरी सेटिंग बनाई, जहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ये पहले लैंप लगा ली दोनों, और ये 4 सेंटी दूर है दीवार से, दोनों के दोनों सेंटर कर लिया है इसके सेंटर से। अब हम अपना मिक्सचर फ्लेम, पहले मिक्सचर लगा के हमने चेक कर लिया था। अब ये हमने फ्लेम लगा दी और इस तरह ये लैग अब हमने पूरी पक्के कर ली है। इसमें एक्सटेंशन लगाया था, अब हमने सीमेंट भी लगा के पक्का कर दिया। अब इसको फ्लेंच लगाया, देखिए अब हमने इसके अंदर वॉशर डाल दी है, इसे यहाँ लगाते हैं। अब इसे हम टाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सेटिंग सही बनी ना, तो ये हाथ से ही टाइट करने के बाद लीक नहीं करेगा। कभी भी मिक्सचर जब सीधा लगता है, और उसे हाथ से ही टाइट करके देखें, अब ये लीक नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा आ रहा है लीक। तो अब इसके एल बैंड का हम नाप लेंगे। एल बैंड का नाप ऐसा होना चाहिए कि बैंड उसमें चला भी जाए और बाहर भी आ जाए। तब क्या करते हैं कि पहले बैंड फंसा देते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाता। हमें उतना ही नापना है कि जो लग जाए वो निकल जाए। अब ये बड़ा हो रहा है, जो उसे नहीं पर फंसाना है, नहीं निकालना है, कटिंग करनी पड़ेगी। और देखिए, हमने इसकी कटिंग इस तरीके से करी है एलिमेंट की, कि हम इसे इसमें लगा के और यहाँ फंसा सकते हैं। पहले इस पर फ्लेंच लगा देते हैं। इससे ये फायदा रहता है कि हमें एल बैंड को जितना जरूरत है उतना ही आगे पीछे हम कर सकते हैं। हमारा मिक्सचर अब इसे हमें प्लास से करने की, टाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे एक दूसरे में फंस चुके हैं। तो ये हाथ से टाइट कर देंगे, इतना ही बहुत ही, लीक नहीं करेगा, बेचिंत रहिए। तो फिर कैसा लगा आपको ये एलिमेंट मिक्सचर लगाने का तरीका? और हाँ, इसकी हाइट हमने 33 इंच रखी है फ्लोर से। यहाँ पर हमने वॉलंग सीट लगाई है, ये हेल्थ फॉसिट का पॉइंट हो गया हमारा, लगभग 20 इंच का है फर्श से। ये वॉच पेशन का पॉइंट है, ये भी 20 इंच का है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम आपको पूरा करके दिखाएंगे। एक हमने बाथरूम के अंदर कंसील लिया है, इससे यह है कि कोई दिक्कत होगी तो हम यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं पानी को। थैंक यू।